नमस्कार जी, नमस्कार। विंदर सिंह फिर आपके साथ। देखिए, आज हम लोग एक नई जगह आपको लेकर के आए हैं। जी हाँ, सरदार जी चांप वाले एक ब्रांड जो दिल्ली से चल के हर शहर में उन्होंने अगर कामयाबी ली है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 100% प्योर इनका दावा है। 100% प्योर चांप खिलाते हैं और रियल सोयाबीन खिलाते हैं। आइए हम लोग जानेंगे कि क्या इनकी क्वालिटीज़ हैं, किस तरह की क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ, कहना गलत नहीं होगा कि शहर भर में अगर इन्होंने अपने बोर्ड्स लगाए हैं, अपनी इंट्रोडक्शन दी है। अगर आज ओपनिंग सेरेमनी की अगर बात करें तो एक भव्य ओपनिंग यहाँ जो की गई है। जी हाँ, कैमरामैन से कहूँगा ब्लर, बिल्कुल लाइव जो आप तस्वीरें देख रहे हैं बिल्कुल क्लोजअप करके दिखाए। जी हाँ, 100% प्योर वेज, इसका मतलब रियली वेज। आइए हम लोग बात करेंगे सरदार जी चांप वाले जो है दिल्ली से चल के जो कई शहरों में, कई स्टेट्स में अपनी ब्रांचेस बना चुके हैं, आज वो कुरुक्षेत्रा में हमारे पास आए हैं। सर नमस्कार। सर सत श्रीकाल जी, पहले तो स्वागत आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, वेलकम हमारे कुरुक्षेत्रा में। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से जिंदगी की शुरुआत की? सर, सारा गुरु साहब का आशीर्वाद है। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, उन्होंने आशीर्वाद के नाल असं चलते पे हाँ। गुरु साहब अ सानू कुरुक्षेत्र लैके आए हैं, सानू एक बार सेवा का मौका दियो। साडे को 100 टाइप की सोयाबीन तुहानू मिलेगी, मलाई चाप, मसाला चाप, अफगानी चाप, लैमन चाप, जग्गा डाकू, शीला की जवानी, साड़ी स्पेशल KFC चाप। एक बार सानू सेवा का मौका दियो, कुरुक्षेत्र वाल का प्यार चाहिए, सानू साड़ी आइटम चैक करो, तुहानू वाकई लगेगा कोई चीज़ खाधी है। और साड़ी जिहड़ी सोयाबीन चाप हैगी, प्योर सोयाबीन चाप मिलेगी। बकायदा तुहानू हर कस्टमर नूं असीं कहांगे कि अगर उन्हें लैब की रिपोर्ट चाहिए नाल असीं लैब की रिपोर्ट भी प्रोवाइड करावांगे। मतलब ये कहना जो थोड़ा दावा है कि आप जो गल करते हैं प्योरली वेज का, मतलब है हर इनग्रीडियंट जो है प्योर वेज यूज किया? 100% प्योर वेज है सर, तो टेस्ट सारा जो नॉन वेज वर्गा आएगा और 100% प्योर आइटम वेज हैगी है। 100% प्योर। चलो आप जो शुरुआत करते हैं, पहला थोड़े तो ही शुरुआत करते हैं। सिंह साहब, तुम मैं पहला मेरे दर्शकों को यह गल दसो कि तुम किसने साल तो ये काम शुरू किया? जी मैं अपना कर दो 10 से 12 साल हो गए। बीजे 12 साल हो गए। एक टारगेट की बना के चले सी कि मारा सुख रखे जो कामयाबी आज तुहानू मिली है, ये सोच के चले सी की? सोच के चले सी सर, गुरु साहब की कृपा नाल, वाहिगुरु ने बहुत कृपा की है। दास जड़ा है रेहड़ी तो शुरुआत की है, अज महाराज ने कृपा की, अज बाबे की कृपा नाल रोहतक, फतियाबाद, सिरसा, दिल्ली के कई ब्रांचा और साड़ी अपकमिंग ब्रांचा करनाल, साडा हिसार, बाबे की फुल कृपा हैगी। वीर जी एक बार आओ तो टेस्ट करो, सेवा का मौका दो। जी देखो, थोनू असी उस शख्सियत के रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने किसी इंट्रोडक्शन की लड़ नहीं है, लेकिन फिर भी अज कुरुक्षेत्र वासियों वास्ते बहुत ही सोहना अवसर है कि उन्होंने हाथ का खाना जोड़ा है टेस्ट करने का मौका मिलता है। सर किन्नी तरह की चांप्स जी है इस वे अज जो ओपनिंग का दिन सा जो भी आओगे सर 100 टाइप ऑफ सोयाबीन 100 किस्म की तुम वरायटी इतने मिलेगी, अलग अलग वरायटी और अलग अलग टेस्ट। ऐ नहीं कि तुम एक आइटम का टेस्ट वो वर्ग आ रहा है, नहीं जी, सूँ सब आइटम अलग अलग टेस्ट मिलेंगे, टोटली 100% प्योर वेज। मतलब ये 100 डिशेज ने तो उन्होंने 100 टेस्ट ने, तुम ये कहना चाहो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। दूजी गल, जो इनग्रीडियंट यूज करते हो वो आप अपना तैयार करते हो या साडे? सर सारे जो मसाले ने दिल्ली तो आ रहे हैं, असं सारे अपने फ्रैश मसाले यूज करते हैं। खारी बावली तो असं लिया के आप पीस के तो सारे असं हर फ्रेंचाइजी से असं मसाले अपने भेजते हैं। जी सोयाबीन भी यूज हो रही है वह की चाप रेडीमेड आ रही है या अपने खुद तैयार कर? नहीं नहीं सर, अपने सर प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, 100% प्योर सोयाबीन तैयार हो रही है हर फ्रेंचाइजी से। असं अपना माल जोड़ा वो बाय अपनी गड्डिया रखी ने, असं अपनी गड्डिया के अपना भेज रहे माल। अच्छा, जो पूरे शहर की जी आप गल करते हैं तो हर शहर के हर सिटी के माल इन्हों की पहुँचाने रिस्पोंसिबिलिटी है क्योंकि ब्रांड इन्हों का है। जी हाँ, सरदार जी चांप वाले दिल्ली तो बहुत शहर एक हिम्मत करके, एक मेहनत सच्चे पातशाह नूं ध्या के एक उस मुकाम ते पहुंचन वास्ते असीं इन्हां नूं विश करदे हां, बहुत बहुत वधाई दिंदे हां। दूजी गल सर, एक बार मैं कैमरामैन नूं कहूँ क्लोजअप करके दिखाए की क्वालिटीज़ अज डिस्प्ले हुई ने, अज वो चीज़ जिहड़ी इंट्रोड्यूस हुई है। सर किहड़ी चांप कहांगे आपां इहनूं? मसाला चांप हैगी सर। ओके सर, साडी स्पेशल नागिन चांप। ओके सर, साड़ी फिश चाप और 100% तुहानू जिहड़ी वेज हैगी और फिश का टेस्ट आएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, इनका कहने का दावा ये है, मैं हिंदी में भी बात करूंगा और पंजाबी में, क्योंकि मेरे जो भाई कुछ हिंदी भी समझ पाते हैं कुछ पंजाबी भी फॉलो करेंगे, जो ये बात बता रहे हैं कि आप अगर जो फिश चाप की बात कर रहे हैं वो 1000% 1000% वेज होने का दावा करते हैं और 1000% उसको ये प्रूव करते हैं कि ये उसी टेस्ट में आएगी। जी सर, ये हमारी पटियाला शाही है, ये सर हमारी जग्गा डाकू है। अच्छा, मतलब इनके अगर बच्चों की हम लोग बात करते हैं, टेस्ट की अगर बात करते हैं तो किस तरह का टेस्ट इंग्रेडिएंट आप देते हैं कि जिससे स्पाइसी भी ना लगे और टेस्ट सर, भी अच्छा बच्चों हो? बच्चों के लिए स्पेशल है मलाई टिक्का।
ये बिल्कुल आपको मलाई की तरह लगेगा और आपको ज़्यादा च्यू नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा इसको बाइट करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है बच्चों। मतलब ये इतना सॉफ्ट है कि इसको च्यूइंग नहीं करेगा ये, अगर इसको आप बाइट को ले रहे हैं, इसको आप खा रहे हैं तो एक सॉफ्टनेस, एक बहुत ही टेक्सचर जिसकी हम बात करते हैं, बड़ा ही सॉफ्ट टेक्सचर आपके मुंह में आता है, जब वो मुंह में घुलता है तो वो एक बहुत ही बेस्ट आइटम जो है वो आपको खाने में लजीज बनती है। जी मलाई पनीर टिक्का सर, पनीर मलाई टिक्का, जी हाँ बहुत ही फेमस इनका जो बेस्ट। अच्छा मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा जी, आपकी जो बेस्ट चाप है वो कौन सी है जिसे हम सरदार जी स्पेशल कह सकते हैं? सर स्पेशल मसाला टिक्का, और दिल्ली में इसको कहते हैं चिकन टिक्का, स्पेशल वेज चिकन टिक्का। चाप में वेज चिकन टिक्का, जी हाँ चाप के अंदर वेज चिकन टिक्का की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रियली जो इंग्रेडिएंट है वो यूज किया गया है प्योर वेज। चाप प्योर वेज है लेकिन जो डिलीशियस जो टेक्सचर है वो आपको खाने के बाद चिकन, और यही नहीं मैं अभी जो हमारे गेस्ट यहाँ पर ऑनरेबल हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल गेस्ट यहाँ आए हैं, हम उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनसे भी व्यूज लेंगे कि सर आपको खाना कैसा लगा। जी एक बार हम किचन देख सकते हैं आपकी, देखिए किचन की हम लोग बात करें तो लाइव किचन है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये किचन है प्योरली हाइजेनिक, जो दावे सरदार जी ने किए हैं वो दावे सच होते यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप विजिट करें यहाँ पर, इनको सेवा का मौका दें और इनके दावे कहाँ तक सच हैं ये पुष्टि करें। लाइव किचन आप साफ देख सकते हैं किस तरह का खाना आपको यहाँ खिलाया जा रहा है, जितनी हमारी स्टाफ है वो सब आपको जो है मास्क में नजर आएगा और वेल ड्रेस, टी शर्ट और मास्क। अच्छा ये जो आपका स्टाफ भी है, देखिए टी शर्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, उस्ताद जी हमारे काम कर रहे हैं लेकिन हल्का सा कर्व करेंगे, सरदार जी मलाई चाप वाले, जी हाँ सरदार जी मलाई चाप वाले, ये कहना गलत नहीं होगा, इनका जो स्टाफ है वो भी वेल एजुकेटेड वेल ट्रेंड स्टाफ है। जल्दी चले आइए, मेरा ओपनिंग हो चुकी है और मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, जल्दी से आइए जल्दी टेस्ट करें। जी तो ये जो अभी तैयार हुई है बिल्कुल फ्रेश तैयार हुआ है, ये है जी तवा चाप ग्रेवी। ओके ये चाप ग्रेवी, जैसे तवा चिकन हम नाम लेते हैं तो ये तवा चाप ग्रेवी है, चाप ग्रेवी बिल्कुल अभी ये फ्रेश तैयार हुआ है और हमारा रोज का रोज मटेरियल वो बिल्कुल फ्रेश तैयार होगा। जी जी जी, तो एक कहने की बात ये गलत नहीं होगी कि अगर यहाँ पर अगर टेस्ट की हम लोग बात करते हैं और अगर हाइजीनिक की बात करते हैं तो हाइजीन आज जो है ओपनिंग यहाँ पर हो चुकी है, आप बिना सोचे सीधा नॉक करते हुए फटाफट गाड़ी उठाइए, एक्टिवा उठाइए, बाइक उठाइए और सीधा पहुँचिए सरदार जी मलाई चाप वाले। जी हाँ एक बार हमको सिटिंग का व्यू भी दिखाएंगे, सिटिंग की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सिटिंग भी बहुत अच्छी अवेलेबल है, आइए हम आपको सिटिंग दिखाएंगे। हाइजेनिक आप अगर फील करके देखते हैं यहाँ पर तो आपको वो एहसास मिलता है जो एहसास एक बड़े होटल के सिटिंग में मिल सकता है, लेकिन इन्होंने छोटी सी जगह में इतनी बड़ी ब्यूटी दे दी है। आप देखिए किस तरह से यहाँ टेबल हाइजेनिक, आपको नैपकिन्स वगैरह अवेलेबल मिलेंगे। स्टाफ की बात करें, स्टाफ वेल एजुकेटेड स्टाफ आपको यहाँ मिलेगा जो आपको सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। टेबल लैंप्स की अगर बात करते हैं तो टेबल लैंप्स यहाँ पर हैंग कर दिए गए हैं, बाकी ब्लिंक करती हुई लाइट्स आपको मिलेंगी। फ्रेश वाटर मिलेगा, कोल्ड वाटर मिलेगा, जिस तरह का आप चाहेंगे। जी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे हम आपको, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। तो आज ही ओपनिंग हुई है? हाँ जी सर। किस तरह का फील हुआ, कैसा लगा आज जो आपने लोगों को, देखिए खाना खिलाना हाँ जी एक बहुत अच्छा काम है लेकिन हाँ उसमें जब व्यूज मिलते हैं डिलीशियस, तो क्या कहना चाहेंगे कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बेसिकली बहुत ज्यादा अच्छा था, अच्छा लगा कि इतनी सारी हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आप इतने अच्छे व्यूज दे रहे हो, आपने टेस्ट करी, आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया, दिल से खुशी मिलती है। हमारा तो मोटिव ही यही है कि हम अच्छा खाना खिलाएं, और हमारे पर बेसिकली क्या है 100% वेज है, तो कुछ लोगों को होता है कि भाई हाँ हम ऐसी जगह खाएं जहाँ 100% वेज मिले, अच्छा खाना मिले, प्रॉपर फैसिलिटी है, प्रॉपर हाइजीन है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखी हुई है, उसके बाद जो वाटर है प्रॉपर डिस्पेंसर लगे हैं कि कस्टमर को लगे कि हाँ हमें कुछ अच्छा खाना नहीं मिल रहा या फिर कुछ भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। किचन में आपका व्यू देखा आपने, बिल्कुल वेल एजुकेटेड स्टाफ है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है सफाई का भी, हर चीज का। थैंक यू सो मच। देखिए अगर लाइव की हम लोग बात करते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ लाइव किचन आपको मिलती है कि आप अगर ऑर्डर प्लेस किया आपने तो वहां से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आपका साफ और स्वच्छ खाना तैयार हो रहा है, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, आज फर्स्ट डे एक डिलीशियस खाने को टेस्ट करने के लिए यहां जल्दी पहुंचे। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कि सैनिटाइजर बाबा जी, ये आपको हर जगह मिलते हैं लेकिन यहां पर भी सबसे पहले सैनिटाइजर बाबा जी बैठे हैं,
मास्क की बात करेंगे, मास्क जो रखे गए हैं, अगर कोई गेस्ट आता है तो उसके पास अगर मास्क नहीं भी होता है तो मास्क भी यहां से प्रोवाइड कर दिया जाता है। लीफलेट्स इनके जगह जगह बोर्ड्स लग चुके हैं, NIT में बोर्ड लग चुके हैं इनके, मार्केट में बोर्ड लग चुके हैं, रेलवे रोड पर बोर्ड इनके लग चुके हैं, तो वहां पर इनको आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात हम तो यही कहेंगे, अगर आप खाने के शौकीन हैं तो चले आइए। जी हाँ, सरदार जी मलाई चाप वाले कुरुक्षेत्रा में खुल गया। आइए बाहर जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने खाना खाया, उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि क्या कहना है उनका खाने के बारे में, क्या कहेंगे वो। तो नमस्कार बाबूजी, आज पहली बात तो हमने विश किया, इनको बधाई दी बहुत बहुत। तो आपने जो टेस्ट किया कैसा लगा खाना? वो बहुत बढ़िया जी। ये सरदार जी मलाई चाप दिल्ली की कंपनी है और यहाँ पे कंपनी का ही माल यूज होता है, यहाँ पे अमूल बटर और अमूल क्रीम ही यूज होगी, यहाँ पे कोई लोकल ब्रांड नहीं चलेगा, आपको कोई भी आइटम लोकल नहीं मिलेगी। मैं पिछले 2.5 महीने से सिरसा में मेरी फ्रेंचाइज है, फतेहाबाद में मेरे मित्र हैं और कुरुक्षेत्र ये मेरी है, और यहाँ पे आपको कभी कंप्लेंट नहीं मिलेगी कि आपको कभी कोई लोकल मसाला यूज नहीं होगा, बढ़िया कंपनी बढ़िया ब्रांडेड आइटम मिलेगी आपको। मेरी आपसे नम्र निवेदन है, एक बार अवश्य आइए, उसके बाद आप अपने आप आने पे मजबूर हो जाओगे। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, विजिट करने के लिए आपको इसलिए कंपेल किया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि अगर जो पड़ोसी होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा स्पोर्टिंग होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं जो बिल्कुल मलाई चाप, जी हाँ, चनार्थन रोड के ऊपर, फटाफट फटाफट फटाफट, अरे NIT वालों के लिए तो वॉकिंग डिस्टेंस है, सैर करते आइए, मलाई चाप खा के जाइए। सर नमस्कार। सर वेलकम आपका कुरुक्षेत्र खबर में। सर क्या कहेंगे, किस तरह का टेस्ट फील हुआ? सर ऐसा है कि लग नहीं रहा कि हम चाप खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, चिकन से भी डिलीशियस। और कुरुक्षेत्र में ऐसी फ्रेंचाइजी की बहुत जरूरत थी, मतलब जैसा हमारा धार्मिक क्षेत्र है, अगर उनकी हम बात मानते हैं तो रियली यहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा नीड थी ऐसी क्वालिटी की, ऐसे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा, एक टेस्ट की जो नीड थी जिसकी कुरुक्षेत्र वासियों को इंतज़ार थी, अब वो इंतज़ार ख़त्म हो गई। जी हाँ, वो इंतज़ार ख़त्म हो गई, और आज जो है भव्य टेस्ट देने के लिए, डिलीशियस टेस्ट देने के लिए जो है, आज जो है डिलीशियस क्वालिटी खिलाने के लिए सरदार जी चाप वाले आपके कुरुक्षेत्र चनार्थन रोड पर पहुँच गए। सर की कहोगे, कितना टेस्ट फील होया, किमें लगा भाई जी? काफ़ी वधिया टेस्ट सी इन्हों का, आज लग गया भी हाँ कुछ, मतलब नेचुरल थी। आप जो गल करिए, जो आप खाने तो टेक्सचर जो मुँह के घूमता वा, तो मतलब मैं कहना चाहूँगा कि खाने को तीन तरह ना खाया जाता है। सब तो पहले आप अखा नाल खाने, बिल्कुल जी, पहला अखा ब्लिंक कर दिया ने, बहुत वधिया प्रेजेंटेशन, उसके बाद खुशबू के नाल खाने असी, और उसके बाद जो मुँह ना, मतलब एक खाने को तीन तरह से खाया जाता है, तो तीनों तरफ में कितने परसेंट मार्क्स आप देंगे? 100% जी, बिल्कुल बहुत वधिया। उस खाने को आंखों ने भी पसंद किया, नाक ने खुशबू पसंद की, और मुंह ने खाना पसंद किया, तो डिलीशियस 100% मार्क्स जो है उनके गेस्ट दे रहे हैं। मैं थैंक यू करूंगा जी आपका, ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट इस लाइव को फटाफट से शेयर करें। जी हाँ, फटाफट शेयर करें कि उन लोगों को, भाइयों को पता लगे जो घर पे बैठे हैं। बाइक उठाइए, एक्टिवा उठाइए, गाड़ी उठाइए, चनार्थन रोड पे आते ही फटाफट डिलीशियस सरदार जी जो चाप बना रहे हैं, सरदार जी से मिलें और उनको विश करें, उनके लिए विश करें कि वो बहुत ही अच्छी कामयाबी उनको मिले। जुड़े रहिए कुरुक्षेत्रा खबर से, रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जिन भाइयों को इसकी टेस्ट की नीड थी, ढूंढ रहे थे, आज वो टेस्ट कुरुक्षेत्रा में आ गया। थैंक यू सो मच।